खड़ी है। तो अभी मैं यहाँ चौराहे पर आ चुकी हूँ, फाइनली मौसी हो चुकी है फ्री। मौसी हाय। तो नंदिनी नाच क्यों रही? तो हम लोग पहुंच चुके हैं, आपको आवाज आ रही होगी यहाँ। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। पेंट ना उतारने ना उठाना है। नंदिनी पोज। डेकोरेशन होने से पहले ही समाप्त होने जा रही है। अब यहाँ केक कट होने वाला है ना। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। मैं बहुत अच्छी हूँ, होपफुली आप सब लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं रेडी हुई हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा इंट्रो अपना देने के लिए। हम सो सॉरी, ये व्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद आने वाला है, बट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बताने के लिए कि क्यों इतने दिनों बाद आ रहा है। मेरे को जाना है अपने बड़े वाले मामू के घर पे, बिकॉज वहाँ पे फंक्शन है, और वहाँ जाकर के आपको पता चलेगा कि किस चीज़ से रिलेटेड, मतलब जो भी है फंक्शन वगैरह जो भी है। तो हमको मौसी आ रही है लेने के लिए, उनकी फोर व्हीलर में हम लोग जाने वाले हैं। मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं, भाई स्कूटी से जाएगा जो मुकेश है, और मैं अपना आउटफिट नहीं दिखा सकती क्योंकि नंदिनी नहीं जा रही है, अफसोस। ये मम्मा का आउटफिट है और ये मेरा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और जो मतलब जो भी कपड़े वगैरह हमको पहनने हैं वो हमने बैग में रख लिए हैं। नंदिनी नहीं जा पा रही है क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गई मार्केट में, और रेडी होने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, दैट्स वाई वो नहीं जा रही है। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो मतलब यार हम लोगों का एक अलग ही बॉन्ड है, और मस्ती वस्ती हम लोगों की चलती रहती। अभी तो अभी जल्दी से निकलते हैं और पहुंचते हैं, मौसी वगैरह से मिलवाते हैं, एंड देन पहुंचते हैं मामू के घर पे। तो अभी मैं यहाँ चौराहे पर आ चुकी हूँ, और ये मौसी और भैया ये मेरे मौसी के बड़े बेटे हैं। दीदी की शादी का काश मैं ब्लॉग शूट कर पाती हूँ। आ रही हूँ, अभी नंदिनी का कैंसिल हो गया था आना, लेकिन रोहित भैया लेने गए स्कूटी से, क्योंकि मुकेश स्कूटी से जा रहा है वहाँ पे। तो अभी रोहित भैया लेने गए नंदिनी को, और मैंने उसको बहुत इंसिस्ट किया है कि आ जा, एंड देन फाइनली वो मान चुकी है और वो आ गई, आने वाली है आई मीन। और ये भैया है यहाँ पे, मौसी अंदर बैठी हुई है, और इनके जैसा मुँह ये दिख रहा पीछे। तो अभी चलते हैं जल्दी से, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। चलो देन गाड़ी के अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो यहाँ मैं गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये मौसी और मम्मी अपनी दोनों बहनें पता नहीं क्या कर रही हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो कर रही हैं। दूसरी स्लीपर मंगवाऊं घर से? मंगाऊं। मौसी का ना स्लीपर थोड़ा छूट गया है आगे से, तो उसको फेविकिप से मतलब चिपका रही हैं, ग्लू कर रही हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ कि दूसरी मंगवाऊं। फाइनली मौसी हो चुकी हैं फ्री। मौसी हाय। तो मौसी अपनी चप्पल चिपकाने में बिजी थी, और वो दोनों बाहर बैठे हैं। अभी ठीक से आवाज़ आ रही होगी मेरी, क्योंकि ये खोला हुआ था जो खिड़की है, विंडो खोली हुई थी। तो अभी नंदिनी और भैया आने वाले हैं, एंड देन हम लोग शूटर निकलते हैं यहाँ से। फिर नंदिनी आ गई। चलो जल्दी बैठो, ये मुंह देखो इसका, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है बिना नहाए हुए भी। मैं नहा के भी बिना नहाई लग रही हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। और ये हमारे ड्राइवर आ चुके हैं यहाँ पे, तुम क्या कर रही हम लोग की बातें। और फिर अभी जल्दी से पहुंचते हैं मामा के घर पे, और फिर वहाँ पहुंचने के बाद मिलते हैं और मस्ती करते हैं सारे कजिन्स के साथ। नंदिनी नाच क्यों रही है तू? यहाँ बस हम लोग पहुंच चुके हैं, अब अंदर गली में एंटर होने वाले हैं, और मिलते हैं अब उनके घर पे पहुंचने के बाद सीधा। तो यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं, आपको आवाज आ रही होगी यहाँ से, कितनी बदतमीज है मेरे को। मेरा आउटफिट भी दिखा दियो, मैंने अपना आउटफिट भी नहीं दिखाया है।
बंद हो चुका है और ये बदतमीज कह रहा है मुझे मत लेना क्यों नहीं आना चाहता इतना स्मार्ट है चलो मामा को इतना स्मार्ट लग क्यों नहीं आना चाहता वे बदतमीज मैं नीचे जाती हूँ यार ये बहुत डेंजर सीढ़ियां हैं यहाँ की सच में अभी मैं गिरने से बच गई ऊपर आई देखो इसकी हरकतें देखो बदतमीज की बिना वजह तो अभी हम यहाँ आए हैं इस लोकेशन पर जहाँ पर जो चीकू है उसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है, सारी प्रिपरेशन चल रही है, डेकोरेशन वगैरह हम लोग करने आए हैं क्योंकि बलून्स वगैरह और सारा डेकोरेटिव जो भी हम लोगों को ही प्रिपेयर करना है यहाँ पे। तो हम सब लोग इधर आए हुए हैं, मामू वो जा रहे पीछे अपनी बेटी मतलब अदिति के साथ में, और ये बंदर है यहाँ पे। हाय, इसका ये है बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इनका पजामा नीचे फट रहा है, इनका पजामा नीचे फट रहा है। छतरपाल है इनका नाम, इसको प्यार से छतरपाल बोलते हैं। और इसका हर बार देखना, केक भी छतरपाल, इसका हर प्रोग्राम हर प्रोग्राम। अच्छा सॉरी, मारने लग गया। चीकू नाम है इसका, वैसे इसका नाम दक्ष है और इसको प्यार से चीकू बोलते हैं। आप ठीक है चीकू? इनाप काट के खा सकते हो? खा जाए तुझे काट के, ये देखो कितना क्यूट है, ये कितना क्यूट है। ये छतरपाल है। और तू कौन है? गोलगप्पा, तू कौन है गोलगप्पा? ये बोल रहा है लाओ मैं करूँ व्लॉगिंग, तुम वॉइस ओवर कर लेना, कर ले। किसको दिखाऊं? लक्ष्य नाम है, लक्ष्य से हाय। अभी एक्सप्रेस ही होंगे वाले। हाय, अभी ना एक्सप्रेस करेंगे। कर दो भैया। हाँ करो। छत्रपाल का भैया। हाँ ये दूसरा, क्या था फालतू ने ये सीनियर छत्रपाल है, सीनियर है ये, गोलगप्पा है ये सब छोड़े हैं। मामा की पेट, इसको मैंने वहाँ पे यार मिलवाया लेकिन कीर्तन चल रहा था। ये देखो फ्रूटी पग, वोडाफोन वाला नहीं, वो कुत्ता नहीं बोलूंगी यार, ये बेटी है। किस चीज का दावत खाने आया हूँ, हड्डी तोड़वाने आया हूँ। यार आशु भैया को चैलेंज दे रहा है कि मेरे को खड़े कर उठा के, इसकी हालत देखो। आप लोगों को लगता है कि ये इसको तो उठा लिया, एक बार आशु को भैया, एक बार आशु को
हाई जोर लगा के हाई ईशा ये पेंट ना उतारने ना उठानो है ए हे ची 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 आशु ची देखो यहाँ बुलेट चला रहा है बताए ओए आशु समोसे खा रहे हैं वो तेरे को नहीं दिया पार्टी पॉपर वगैरह आशु बोल रहा हूँ समोसे खा रहे हैं वहाँ पे अकेले अकेले अदिति वगैरह मेरे को ना खिला रहे हमने कहा तू भी खा ले नंदिनी नंदिनी आशु कह रहा अकेले 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 पूछ रहे हैं चल वे अभी यहाँ डेकोरेशन होने वाली है स्टार्ट करने वाले हैं नंदिनी और हम सब लोग मिलकर के करेंगे डेकोरेशन और अदिति की हालत खस्ता हो चुकी है इस टाइम बेचारी भाग भाग के परेशान हो गई है तो यहाँ पे अब सोचा है डेकोरेशन करने का पहले सोचा था अंदर करने का लेकिन वहाँ बहुत 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 ज्यादा सफोकेशन हो जाएगी इसलिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अब ज्यादा इंग्लिश काट रहे हैं बताए तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं अभी और नंदिनी बन चुकी है स्पाइडर वुमन बंदर बंदर मैं नहीं बोल रहा ये बंदरिया बन गई इनके दो चेले बोने का बर्थडे आज ये आवाज को काट दी जाए ये पागल लड़की असली है कितना बदतमीज है कितनी अच्छी बनाई है मुझसे बोल रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूंगा और कितनी अच्छी व्लॉगिंग करके बदतमीज ने बहुत अच्छी की है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए गिलास ये थे, ले ले ये अभी आप देख सकते हो स्टार्टिंग इसकी ऐसी और एंडिंग देखते हैं कैसी होने वाली है लेट्स सी ये स्टार्टिंग कुछ ऐसी है इसकी एकदम प्लेन है बस वो पीछे टेंट लगा हुआ है और अब एंडिंग देखते हैं उसकी लिपसिंग देखना क्या बोला उसने बदतमीज कही की नंदिनी पोज कितना सुंदर पोज दिया बदतमीज ने पूरी बेलने तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं बदतमीज तेरी कह रहा तेरे को पूरी बेलने पर रख ले बर्तन धोने के लिए तो कोई चाहिए बर्तन धोने के लिए ये रहा ओए बर्तन धोने के लिए तू है ठीक है वो हलवाइयों से बोल रहा है कि इनको बर्तन इनको पूरी बेलने के लिए रख लेना इतना बदतमीज है यहाँ पे मेरी शक्ल की हालत इग्नोर करना एकदम और यहाँ पे डेकोरेशन इतना कंप्लीट हो चुका है मैं दिखाती हूँ हाँ ये बर्थडे बॉय बेचारा अपनी बर्थडे में मेहनत करता हुआ और यहाँ ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं ये अदिति और ये हटना उन भैया को भी लेने दे लेकिन वो हमारी हेल्प नहीं करवा रहे सो सैड लेकिन कोई बात नहीं ऐसे ही ठीक है और ये इतना हो चुका है नंदिनी एक बार गिर के दिखाइयो एक बार दिखाना एक बार गिर के वो गिर भी नहीं सकती लेकिन तू सच में प्रिटी लग रही है सिंड्रेला टाइप तो अभी यार मतलब अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ ये बलून्स मैं लेकर के घूम रही हूँ यहाँ पे हेल्प करवाते हुए अभी सारी डेकोरेशन फिनिश होने के बाद मैं दिखाते हैं लास्ट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ओके डेकोरेशन होने से पहले ही समाप्त होने जा रही है बेचारी नंदिनी वो छूट गया है बलून्स का वेट आने से वो डेकोरेशन छूट गया है नंदिनी है स्ट्रगल करते हुए तो यहाँ डेकोरेशन हमारा हो चुका है कंप्लीट मतलब वो ना थोड़ा मैसअप हो चुका है लेकिन कोई नहीं हवा चल रही है ना यहाँ पे तो वो जो भी डेकोरेशन का जो था वो उड़ उड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे मतलब लेकिन जैसा हुआ है अच्छा ही हुआ है ये रही हमारी डेकोरेटर ये इसने यहाँ पे किया है प्रिपेयर
ये सारा हेल्पर भी तो दिखा, वो मेरा हेल्पर है। और ये बैठे हेल्पर, एक हेल्पर ये रहा, एक मैं ये रही, और जो थे बाकी घर चले गए हैं, और बाकी जो मेन थी हमारी मेन लीड जिसने की है डेकोरेशन में वो यही है। सो यार अब देखते हैं फंक्शन वगैरह कब स्टार्ट होता है। फिर आज हेल्पर ने पैसा ना दिए तो ऐसी गर्दन पकड़ के ऐसा करते भगवान। तो यहाँ हमारे नए जो भैया हैं और जो कर्मचारी हैं वो आ चुके हैं, ये घर पे काम करके आए हैं, दूध आने भर के आए हैं, कीर्तन हुआ था ना उसके लिए प्रसाद था, काम करके आए। ला 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 ला, काम तो इतना पैसे नहीं, कितना बदतमीज है, कोल्ड ड्रिंक लेके और इसका रैपर वेपर सब छोटा छोटू के फेंक दिया। किस्मत में ना आए, हेलो ये लाइट भाई बढ़ गई, मैं नहीं पीती है मुझे उठाइए दुआ। ये देखो ये इनकी मस्तियाँ किस तरह कर रहे हैं। थारा भाई थारा भाई मार डालो रे, हमारो पांडा मार डालो। पकड़ाई खेल रहे हैं। एक और बार वंस मोर। ये देखो यहाँ ये फ्रूटी वगैरह को घुमा रहा है। आशु आशु ये गे भी ऐसी है, ये आप नमक हो जा रहा हूँ भैया को बना दिया गुब्बारों की दुकान। चार गुब्बारे इतनी तो अच्छे हैं, इन्होंने मेरी वीडियो बनवाई नहीं है, इतने कमीने कुत्ते हैं। देखा है कि हार कर देखा है ये देखो इसकी हरकतें है 30 साल की और हरकतें इसके 3 साल की बच्चों जैसी हैं। आशु स्माइल कर वो नेचुरली है। मैंने सोचा था कि कपड़े चेंज करूंगी लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये मौसम बिल्कुल भी कपड़े चेंज करने लायक है, और मैं एथनिक वेयर लेके आई थी कुछ ने के मैं एथनिक पहनूंगी लेकिन यार बिल्कुल भी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है लायक इस मौसम में पहनने के। सो हम नहीं पहनने वाले हैं उसको। अब अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और फिर हम लोग मिलते हैं फंक्शन स्टार्ट होने के बाद। बोलो हाय इन भैया को भी बोल हाय बोलने को। अरे भैया को बंदर तू बंदर है, तू बंदर है प्रिय 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 प्रिया तू कौन है? ये पांडा ये यहाँ कैंडी कॉटन की कमी पूरी करने के लिए बाहर कोई है। अभी तो इतनी तू तो तेरी तो कमर दीपिका पादुकोण से भी कमजोर है। शोकियों में डूबी है अदाएं चेहरे से झलकी हुई है जुल्फ की घनी घनी घटाएं शाम से झलकी हुई हैं लहरात आंचल जैसे बादल बाहों में भरी है जैसे चांद। ले ले ओए मित्ता। अभी वहाँ से हम घर वापस आए अपनी सड़ी शक्ल की हालत ठीक करने के लिए। चेंज तो मैं नहीं कर रही हूँ यार क्योंकि बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ, क्योंकि भाई साहब
इतनी गंदी वाली गर्मी हो रखी है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो अभी शक्ल को थोड़ा सही करते हैं एंड देन वापस चलते हैं, वहाँ फंक्शन स्टार्ट होगा देन वहाँ पहुँचते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। ओके बर्थडे बॉय पीटा जाएगा बेल्ट से। ओ बदतमीज, तू सच में क्यों मारा बे? लकी भैया बोल रहे हैं उसको पीटना है बर्थडे बॉय को बेल्टों से। सकल की हालत, तू सकल की हालत, सकल की हालत देखी। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से आ चुके हैं रेडी वेडी होकर के। रेडी क्या यार, सकल की हालत गोबर जैसी हो रही है, पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है। लेकिन अब जो भी है फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाती हूँ। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं अपने, अब वहाँ पे होगा हमारा प्रोग्राम सेट। और मैं अपनी नानी दिखाती हूँ आपको, ये बैठी नानी अभी ये रही है। कैमरा में थोड़ा वो हो रहा है और मतलब इनसे मैं अभी मिली थी, मैं तब से मिल नहीं पाई थी क्योंकि नानी कीर्तन में ना व्यस्त थी। मुझे वहाँ मम्मी पूछ रही है नंदिनी का, यहाँ हमारा बर्थडे बॉय खो चुका है, बताना कहाँ साइकिल लेके निकल गया अपने टमटम लेके, वो मिली ना रहा है, कहाँ है? नहीं मिला चीकू, पहले भी नहीं आए थे तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना आने की? चलो हाय बोलो, मेरा व्लॉग चल रहा है। ये लकी भैया है, इंट्रोडक्शन दो अपना, कैसे दो कैसे दो चीकू ने चीकू लापता है। यहाँ बर्थडे बॉय नहीं मिल रहा हम लोगों को, यहाँ पे बर्थडे बॉय मिल नहीं रहा है तो बर्थडे बॉय को ढूंढ रहे हैं। ये इनके पापा ढूंढने में लगे पड़े हैं। चीकू पप्पू नंबर दियो, पप्पू नंबर दे। अरे यही तो लेके जा रहा था लक्ष्य। यहाँ से एंट्री हो गई है, उसकी कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए ज्यादा शूट नहीं कर सकती। यहाँ का माहौल आप देख सकते हो, वहाँ पे केक वगैरह का अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे चीका हो चुका है हमारा, तो अभी बस उसका केक भी कट होने वाला है एंड देन फिर यहाँ रोहित भैया नंदिनी को पार्टी पॉपर बोलना सिखा रहे हैं। अब यहाँ केक कट होने वाला है, नानी आ चुकी है यहाँ पे। नंदिनी और किधर है? उधर की साइड खड़े हो आदिति, एक एक साइड जाओ यार, क्या है ये? मैं बोल रही हूँ पार्टी पॉपर लेकर साइड में खड़े हो जाओ, ये मान नहीं रहे हैं। जान है तेरे अंदर? ठीक है भैया तुम खड़े हो ना दूसरी साइड। मेन्यू में रायता, छोले की सब्जी, आलू और पता नहीं क्या क्या है। ये नंदिनी सिर्फ अकेली के लिए ये है जिंदगी ने तो मजा।
सिलसिले रोक लिया। तो अभी हम जाने के लिए नानी, यार गलत बात है, बाय बाय। और सेकंड हैंड देख के लेना, हमको हम खुद पछता कर लिए। हेलो बाय बाय, अभी बस जाने वाले हैं हम लोग। और ये हमारे ड्राइवर और ये मौसी मम्मी, अभी ड्राइवर कर रही है, ड्राइवर से ऊपर ही कुछ हूँ मैं। ये हमारे भैया हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को सारे कजिन में गाड़ी चलानी आती है। अब ठीक है, तो अभी बस हम लोग घर जाते हैं और शूटर मिलते हैं घर पहुंच कर। तो यार गाइज, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मुकेश मम्मी और नंदिनी को स्कूटी से लेने गया है, क्योंकि दो हम तीन जने नहीं बैठ सकते थे, बिकॉज कपड़े थोड़े इस टाइप के पहने हुए हैं, स्कर्ट का क्या धचड़ा हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुड़ गई है ये। मुकेश लेने गया मम्मी और नंदिनी को, वो लोग आते हैं तो अब बस अंदर चलते हैं, कैंडी कॉटन से मिलते हैं एंड इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। होप यू ऑल लाइक दिस ब्लॉग, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।